अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद अंसर और आप देख सकते हैं क्रिकेट लवर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज की जो ताज़ा खबर है वो ये है कि मोहम्मद आमिर की बॉलिंग की वजह से और शानदार बैटिंग हारिस सुहेल की वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल सकता है और इंशाल्लाह खेलेगा। दोस्तों ताज़ा तरीन खबर के साथ आपको अपडेट कर रहे हैं कि मोहम्मद आमिर ने बहुत ही प्यारा स्पेल कर दिया है, जिससे मोहम्मद आमिर वर्ल्ड कप के नंबर वन बॉलर बन चुके हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान का सेमीफाइनल में ले जाने के चांसेस भी रोशन हो गए हैं। तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे रसाई हासिल कर सकता है ये आपको मैं बताता हूँ इस वीडियो में। तो उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और मोहम्मद आमिर के वालों के चैनल के लिए एक लाइक से कुछ नहीं जाता, प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों आज भी मैच हुआ है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गया है। पाकिस्तानियों के लिए खुशी की खबर है कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पॉइंट टेबल पर सबसे आगे है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड और तीसरे पर इंडिया, चौथे पर इंग्लैंड। अगर इंग्लैंड अपना एक भी मैच अब हारती है तो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही प्यारी खबर है कि इंग्लैंड आज का मैच हार चुका है और पाकिस्तान के चांसेस रोशन हो चुके हैं। तो पाकिस्तान को कल के न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतना होगा तो सेमीफाइनल में की दौड़ में शामिल हो जाएगी। पाकिस्तान अगर हार जाएगी तो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। न्यूजीलैंड क्या नॉकआउट कर सकता है पाकिस्तान को, इसका जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों दुआ करें कि पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल ज़रूर खेले और इंडिया के साथ एक और मुकाबला होना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो करते हैं, उस पर भी हम अपनी एक जल्द वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें।